हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहनुमाए रसोई। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी रसोई की साथी, आपकी रहनुमा। तो आज हम बनाने वाले हैं शक्करपारे, जो मीठे होते हैं और बहुत ही फटाफट बनाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। चलिए आज हम इसकी रेसिपी शॉर्टकट में सीखते हैं, एक ट्रिक भी सीखेंगे इसके साथ। आज मैंने लिया है पाउडर्ड शुगर। हम शुगर, खड़ी शुगर नहीं लेंगे, पाउडर्ड शुगर यूज़ करेंगे। हल्का सा एक चुटकी नमक लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून के करीब, और 1 कप मैदा लिया है मैंने। चलिए अब हम इसको एक थाली में निकालते हैं। मैदे को ये देखिए, इसमें मैंने मैदा निकाल लिया है, इसे बीच में स्पेस बना ली है। अब हमें इसमें डालना है ऑयल, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे, 3 टेबल स्पून इसमें हम पाउडर्ड शुगर डालेंगे और 1 पिंच सॉल्ट डालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें ऑयल, सॉल्ट और पाउडर्ड शुगर मिक्स कर दिया है। अब हमें नॉर्मल पानी से इसे गूंद लेना है। हमें जितना आटा गूंदते हैं सिर्फ उतना ही सॉफ्ट और उतना ही हार्ड गूंदना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है ना ज़्यादा हार्ड करना है, वरना ये टूटने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको गूंदते हैं। देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, हमने इसको गूंद लिया है नॉर्मल पानी से, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा कड़क। और अब हमने यहाँ पे चौकी पे ऑयल लगा लिया है। मैदा यूज़ नहीं करना है, मैदे से वो ड्राई हो जाता है और मैदा फिर जलने के टाइम पे आपके शक्करपारे को और खुरमो को काला कर देता है, उसका कलर ख़राब कर देता है, इसलिए आपको इस पर ऑयल लगाना है। और ये इस पर भी मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है ताकि ये कड़क ना हो, ऊपर से इस पर लेयर ना आए। अब इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 2 लोई बना लेनी है। हाँ तो देखिए, इस पर मैंने लोई रख दी है, अब हमें इसे बेलना है। 1 लोई हमारी वहाँ है, पहले हम इसे बेलेंगे। और हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना ये बहुत कड़क हो जाएगी, नॉर्मल मीडियम रखना है। मैं आपको इसको बेल के बताती हूँ कि आपको उसको कितना, इसकी कितना थिक रखना है इसको। देखिए इस तरीके से हमने इसे बेल लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। टर्न करेंगे, टर्न करके ही इसको कट कट करना है। आप इसको उठाएं ना, हम इस तरीके से कट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे करेंगे आप इसको तो ये कड़क हो जाएंगे। आप इसके साइड कॉर्नर्स निकाल लीजिए क्योंकि ये बहुत छोटे रहते हैं, तलने में प्रॉब्लम होती है। देखिए कुछ इस तरीके से रखना है आपको, इसकी थिकनेस आपको इतनी रखनी है। ज़्यादा पतला करेंगे ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा, ज़्यादा मोटा करेंगे तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ऑयल गर्म हो गया है और हमने इसमें हमारे शक्करपारे तलने के लिए डाल दिए हैं। लाइट ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है और फिर से हमें इसका साइड चेंज करना है और सेकेंड दूसरे तरफ से लाइट ब्राउन करना है। ज़्यादा नहीं तलना है हमें वरना ये जल जाएंगे। देखिए हमने इसको टर्न कर दिया है और यहाँ पर हमने दूसरी लोई के भी शक्करपारे कट कर लिए हैं। सेम उसी तरीके से हमें इनको भी तलना है। ठीक है, मैं आपको इसको तल के निकाल के बताती हूँ। ये देखिए हमारे शक्करपारे बिल्कुल तल के रेडी हैं, कितने यम्मी दिख रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गए हैं, ना ज़्यादा ब्राउन हुए हैं ना ज़्यादा कच्चे लग रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो दोस्तों आप इसको घर पर बनाइए और बताइए कि आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं ऐसे ही हेल्दी स्नैक्स आपके लिए लेकर आऊँ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।